ये घर के सामने वाले द्वार में भी बना दिया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम बज रहे हैं 4:20। ये देखिए, आज मार्गशीर्ष महीने का गुरुवार है, तो हमारे इधर पूजा होती है महालक्ष्मी जी का। तो हमको रात 2-4 बजे से उठ के सारे काम करके भगवान महालक्ष्मी जी का पूजा करना पड़ता है। तो आज हम करेंगे महालक्ष्मी जी का पूजा। तो चलो अभी काम करना शुरू करते हैं। पहले घर का झाड़ू करेंगे, फिर पोछा करेंगे, फिर रंगोली बनाएंगे। इसके बाद हम करेंगे महालक्ष्मी जी का पूजा। सब सो रहे हैं, उनको सोने देते हैं और हम हमारे काम करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल पानी में मैं मेरा मुंह धुलाई कर लिया है। वो झाड़ू करना शुरू करते हैं, पहले बेडरूम से झाड़ू करके ले आते हैं। वो सब लोग सो रहे हैं। सब सो रहे हैं देखिए। और ये मैंने ये रूम का बेडरूम का झाड़ू कर लिया है। अब मैं बाहर का झाड़ू करूँगी। घर का झाड़ू हो गया, थोड़ा बाहर का झाड़ू कर लेते हैं। ये कचड़ा का डिब्बा को बाहर रख देंगे, वो भाई आके लेके जाएंगे। इधर रहता है ये। हमारा झाड़ू कंप्लीट हो गया है, अब पोछा लगाते हैं। हमारा झाड़ू पोछा हो गया पूरे घर में। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने आके बाद मैं सब करती हूँ और काम। किचन क्लीनिंग मैंने रात को ही कर लिया था। तो और नहा के आने के बाद मैं ये साड़ी पहनूंगी। आज गुरुवार के दिन व्हाइट साड़ी पहना जाता है पूजा करने के लिए। तो मैं अभी तैयार होके आ गई हूँ, अब करूँगी पूजा। पहले करेंगे हम रंगोली, फिर बाद में करेंगे पूजा। आज जो रंगोली होगा वो मुहूर्त में होगा, क्योंकि अभी अष्टमी गया नहीं। ये पहला गुरुवार है तो अष्टमी गया नहीं, तो इसलिए हम मुहूर्त में रंगोली करेंगे। सिर्फ व्हाइट मुहूर्त यूज़ करेंगे। तो पहले रंगोली करते हैं, फिर बाद में करेंगे पूजा।
रंगोली मैंने बना लिया है, इधर पूजा करूँगी। ये घर के सामने वाले द्वार में भी बना दिया। मेरी जो डेली पूजा थी भगवान की वो मैंने कर लिया है। तो अभी महालक्ष्मी जी का पूजा आरंभ करते हैं। चलो इधर कलसी बिठाएंगे। मैंने थोड़े से चावल उसके रखा, उसके ऊपर कलसी बिठाऊंगी। ये इसमें पानी भर के आम के पत्ते, फिर उनके ऊपर नारियल रखेंगे। ये हमारा इधर खटुली रखा जाता है, तो मेरे पास खटुली नहीं है, मैं ये मंदिर रख दूंगी छोटा सा। ये मेरा मंदिर हो गया, रख दिया मैंने। फिर ये महालक्ष्मी जी का फोटो, और ये मेरा गुरुवार का व्रत। सुदासा नाम में महालक्ष्मी जी का और एक व्रत है, उनका ये सुपारी है, ये भी हम पूजा करते हैं। आज भी इधर इनको भी पूजा करेंगे। महालक्ष्मी जी को मेहला दिया था, अब इनको वस्त्र पहना लेते हैं। अब भगवान जी को चंदन लगाएंगे। और इधर उनको को भी लगाएंगे। उसके बाद में लगाऊंगी सिंदूर। अब उनको फूल लगा देंगे। ये फूल उनको बहुत पसंद है, तो ये फूल लगा देंगे। अभी दिया लगा देंगे। आरती करते हैं। अब करेंगे उनकी आरती। इसके बाद इनकी पूजा सामग्री लेकर आएंगे। पहले महालक्ष्मी अष्टकम सूत्रम पढ़ेंगे, इसके बाद करेंगे ये बुक पढ़ना होता है, इसको हम पढ़ेंगे। नमस्तुते महालक्ष्मी सिपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरी भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। इस बुक को पूरा पढ़ना होता है, तो मैं बाद में पढ़ूंगी। ये बहुत सारे पेजेस है इसमें, तो ये बुक भी इधर रखेंगे। अब करेंगे लक्ष्मी जी का पूजा।
ये महालक्ष्मी जी का पूजा हर ओडिया के घर में किया जाता है। ओडिशा में हर घर में सुबह से यही पूजा होती है मार्गशीर महीने का गुरुवार के दिन, जितने भी गुरुवार होता है। मैं इधर सिंपल सा पूजा किया है भगवान जी का, क्योंकि हमारा माणा नहीं बैठा जाता है। जो माणा बैठाने से बहुत अच्छे से और नाना बहुत तरह की व्यंजन बना के पूजा किया जाता है। आज का हमारा पूजा अभी खत्म हो गया है, तो चलो घर का काम शुरू करते हैं। बच्चे और हस्बैंड भी उठ गए। मैं आशा करती हूँ आज का ब्लॉग का आपको अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।